आइए बच्चों, अब हम मैथ का चैप्टर 6 मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड हाउ टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय ए सिंगल डिजिट और टू डिजिट नंबर। हियर वी विल रिवाइज द कॉन्सेप्ट लर्नड अर्लियर एंड लर्न मल्टीप्लिकेशन बाय थ्री डिजिट नंबर। वी ऑल्सो लर्नड दैट द नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाय विच मल्टीप्लिकेंट इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लर एंड द रिजल्ट इज नोन एज द प्रोडक्ट। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सीखा कि किसी संख्या को कैसे गुणा किया जाता है, एक अंक या दो अंक की संख्या। यहाँ हम तीन अंकों की संख्या से गुणा करेंगे। हमने यहाँ यह सीखा कि जिस संख्या का गुणा करना होता है उसे गुणक कहते हैं। जिस संख्या को गुणा किया जाता है वह गुणक होता है और परिणाम को गुणनफल कहते हैं। गुणन के गुण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा किया जाता है, गुणनफल वही आता है। जैसे 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, 5 × 15 = 75 और 15 × 5 = 75। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ द ग्रुपिंग आर चेंज्ड। तीन और चार संख्याओं का गुणनफल जो है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ग्रुपिंग चेंज हो भी जाता है तो। फॉर एग्जांपल 2 × 3 (4) = 6 × 4 = 24 एंड 2 × 3 (4) = 2 × 12 = 24। जैसे 2 को 3 से हमने गुणा किया तो 2 × 3 = 6 और 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 4 = 24। ऐसे ही 6 × 4 = 24, 2 × 3 (4) = 2 × 12 = 24।